आज मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, खासतौर से पर्यटकों को और स्थानीय निवासियों को। पिछले साल हम लोगों ने तय किया था इस साल सनासर का टूलिप गार्डन आप सबको समर्पित कर दिया गया है। आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और मुझे लगता है इससे लोकल इकॉनमी भी बढ़ेगी। दो तीन जो यहाँ की जरूरी आवश्यकताएँ हैं उनके विषय में भी मैंने जब अपनी बात रखी तो उसमें कहा था, मैं समझता हूँ उसे रामबन और आसपास के इलाकों। बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पे सनासर में टूलिप गार्डन का इनाग्रेशन की है, जिसकी इनाग्रेशन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आज सनासर आके की। हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, मैं अपनी बटोत पूरी आवाम और डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2.5 लाख के करीब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो लगाए गए हैं। इससे ये रहेगा, जैसे आप देखिए कश्मीर में टूलिप गार्डन है तो मैं देखता हूँ इतना टूरिस्ट है कि मैं जब कुछ ही दिन बाहर गया था टिकट नहीं मिल पाई, तो इतना रश है जिसको पूछो बोलते हैं टूलिप गार्डन देखने जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे गवर्नर साहब ने सनासर में आज इनॉग्रेटेड किया है, ये बहुत ही मैं कहूँगा एक हमारे जम्मू के लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा एक बढ़ावे की ही बात है। टूरिज़्म को लिहाज से देखिए आप, हमारे एरिया भी इससे प्रमोट होगा। और टूरिस्टों से भी कहना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर श्रीनगर जा रहे हैं वो हमारे यहाँ सनासर में भी आएँ, यहाँ से चिनैनी नाशरी टनल से ऊपर की तरफ आएँ, पत्नीटॉप के साथ में ही सनासर पड़ता है। और ये बहुत ही खुशी की बात है जो यहाँ पे आज ये टूलिप गार्डन की इनॉग्रेशन की है। अभी मुझे लगता है ये एक महीना ये फ्लावर्स यहाँ पे रहेंगे।